स्टूडेंट्स, हम लोग कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे थे और कुछ फंडामेंटल्स तो हम लोगों ने कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के डिस्कस कर लिए हैं। अब हमें जो थोड़ा सा डिटेल में जिस टेक्निक को स्टडी करना है वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के भी हम कुछ फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे कि इसमें किस तरह से हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं, एम्पलीट्यूड किस तरह से चेंज होता है, एंड मैथमेटिकली इस चीज़ को हम लोग वेरीफाई करेंगे कि क्या आउटपुट में फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट करके सेंड कर रहे हैं। तो हम लोग यही सब चीज़ें यहाँ पर मैथमेटिकली भी देखेंगे कि क्या नॉइज है। सर, आपकी आवाज ना बहुत इरिटेटेड फंस के आ रही है। हम लोग को क्लियर आ रही है सर। आयुष विक्रम सिंह फोन कर लीजिए सर। आयुष विक्रम सिंह को सर। हाँ, वो ज्वाइन हो रहे हैं। वॉइस की प्रॉब्लम अगर सबके साथ नहीं है तो फिर क्लियर आ रही है आवाज। क्लियर आ रही है सर। यस सर, एकदम सही। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आप बेटा डिस्कनेक्ट करके एक बार रिकनेक्ट करिए, हो सकता है शायद कुछ नेटवर्क इश्यू हो। तो यहाँ पर हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, क्या उसका एम्पलीट्यूड है आफ्टर मॉड्यूलेशन, क्या फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट उसमें आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मैथमेटिकली यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैथमेटिकली इस चीज़ को देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसको कि हमें सेंड करना है, जिसको मॉड्यूलेट करना है, एक वो सिग्नल लेंगे और एक कैरियर सिग्नल, ये दोनों सिग्नल्स ले लेंगे। और दोनों सिग्नल्स की जो वैल्यू हमने यहाँ पर अज्यूम की है वो साइनोसॉइडल सिग्नल्स दोनों यहाँ पे अज्यूम की। यहाँ पर स्मॉल m यूज़ किया गया है फॉर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और स्मॉल c यूज़ किया गया है टू रिप्रेजेंट कैरियर सिग्नल। तो जितनी भी वैल्यूज़ के साथ सफिक्स में स्मॉल m है वो सारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वैल्यूज़ हैं, और जिनके साथ सफिक्स में स्मॉल c लिखा हुआ है These are the values of carrier signal. ये carrier signal की values को represent कर रहे हैं। Amplitude modulation किस तरह से हो रहा है ये हम लोग पहले भी discuss किए हैं। This signal is the baseband or modulating signal. This is carrier signal. And carrier signal का amplitude as per
बेस बैंड सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वेरी करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक मैसेज सिग्नल को उसके रेप्लिका के साथ ड्रॉ करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सिस पे विद द शिफ्टेड वर्जन, एंड इसके बाद फिर हम कैरियर सिग्नल को इस तरह से वेरी कराते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पर कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, एंड साथ ही साथ पॉइंट होता है जो कि जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट फिगर में थोड़ा सा डिटेल में इसकी एनालिसिस करेंगे, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या आता है। तो ये एक्सप्रेशन हमने आप लोगों को कल भी बताया था कि अगर हम VAM कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इस सिग्नल का पीक वैल्यू कितनी होगी अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालें इसकी, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल प्लस इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो इट विल बिकम VC प्लस VM साइन ओमेगा टी। एंड अगर हम जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करें, यानी स्मॉल v और सफिक्स में am, तो इट कम्स ये जो पीक वैल्यू है, जो एम्पलीट्यूड है, वो यहाँ आ जाएगा vm एंड साइन थीटा, एंड थीटा में क्या होगा हमारे पास में ओमेगा ct, और vm की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन जो आता है हमारे पास में ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल का है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, Vm इक्वल्स टू Vc प्लस Vm साइन ओमेगा mt इनटू ओमेगा ct। ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमने आप लोगों को मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में बताया था कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू द पीक वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल, और इसको हम लोग कुछ अलग नेम से भी जानते हैं, जैसे कि मॉड्यूलेशन फैक्टर भी कहते हैं, मॉड्यूलेशन कोफिशियंट या डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। एंड इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 से 1 के बीच में लाई करती है, एंड अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन कि कितना परसेंट मॉड्यूलेशन हुआ है। ठीक, इसके बाद में फिर यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल अगर कम्युनिकेशन में आता है तो ऐसे ही मॉड्यूलेशन इंडेक्स बेस्ड आता है। तो इसमें क्या है कि कैलकुलेट मॉड्यूलेशन इंडेक्स एट परसेंटेज मॉड्यूलेशन इफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर आर 40 साइन और ये 50 साइन, ये दोनों सिग्नल्स दिए हुए हैं। तो इसमें एम है ये मॉड्यूलेटिंग का है, ये कैरियर सिग्नल का है, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला हमने अभी देख लिया, Vm अपॉन Vc। तो Vm की वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू जो होती है वो साइन के इस तरफ वाली वैल्यू होती है पीक, तो 40 आ गई Vm की, ऐसे ही सिमिलरली 50 वैल्यू आ जाएगी Vc की, और डिवाइड करेंगे 0.8 वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 100 कर देंगे तो इट कम्स 80%, तो 80% मॉड्यूलेशन हो रहा है। तो परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बुक में मिस्टेक्स कई जगह पर हैं, तो हम तो जहाँ जहाँ पर आप लोगों को जैसे जैसे पढ़ाते चल रहे हैं, हम आप लोगों को ये चीज़ बताते जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर इसमें मिस्टेक्स हैं। तो आप लोग भी कभी कहीं पर कोई डाउट हो तो एक बार क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि हो सकता है कि आप गलत कर रहे हो या आंसर इसमें दिया है तो सही ही दिया होगा, क्योंकि कई जगह पर ऐसा है कि इसमें के मैप में भी मिस्टेक्स हैं, एंड यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि 100 से मल्टीप्लाई होना चाहिए लेकिन 10 से कर दिया। तो ये तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, आंसर भी आ गया। अब इसके बाद हम थोड़ी सी एनालिसिस और करते हैं इस फिगर की, जो फिगर हम लोग अभी देख रहे थे, आफ्टर मॉड्यूलेशन जो सिग्नल बन रहा है। तो आफ्टर मॉड्यूलेशन जो सिग्नल हमको दिख रहा है वो सिग्नल यहाँ पर है, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये है, ये जो इस तरह से ये ड्रॉ किया गया है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसको हमें सेंड करना है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमको गिवन है, एंड इसके बाद में ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज अनमॉड्यूलेटेड, यहाँ पर इस एरिया में कोई भी मॉड्यूलेशन नहीं हुआ है। तो इस एरिया में ये जो सिग्नल बना हुआ है इस तरह से, ये ओरिजिनल कैरियर सिग्नल बना हुआ है, मतलब इसकी ये जो फ्रीक्वेंसी है ये भी ओरिजिनल है, और जो एम्पलीट्यूड है Vc वो क्या होगा, वो ये एम्पलीट्यूड होगा, ये Vc होगा।
एंड आफ्टर दिस पॉइंट मॉड्यूलेशन स्टार्ट होता है एंड कैरियर का एम्पलीट्यूड अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम लोग चेंज करते हैं. तो इस पॉइंट के बाद में आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट के बाद से फिर एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है एंड वेरी कर रहा है एम्पलीट्यूड. तो ये जो ये पॉइंट आ रहा है दिस पॉइंट इज द पीक पॉइंट. इट मीन्स कि इस पॉइंट का अगर हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे ये वैल्यू तो दिस वैल्यू विल बी द मैक्सिमम पीक वैल्यू या मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल. तो ये देखिए इसको Vmax से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. सिमिलरली यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जो ये कर्व है, इस कर्व में दिस विल बी द मिनिमम एम्पलीट्यूड. तो मिनिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू मिनिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज वी मिनिमम. तो इस तरह से हम यहाँ पर आफ्टर मॉड्यूलेशन जो सिग्नल हमारे पास है उस सिग्नल की हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वोल्टेज की यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेंगे. ठीक, अब ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, तो इसकी पीक वैल्यू क्या होगी, ये पीक वैल्यू होगी एंड दिस पीक वैल्यू विल बी इक्वल टू वी एम. सिमिलरली नेगेटिव साइड में भी पीक वैल्यू वी एम ये होगी. तो ये इतनी वैल्यूज तो हमने इस फिगर में मार्क कर ली. अब इस ये मार्क करने के बाद हम लोग फिर यहाँ पर कुछ अदर वैल्यूज और कम कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि Vm की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ Vmax एंड Vminimum. सिमिलरली Vc की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ Vmax एंड Vminimum. तो जैसे अगर हमको Vm की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ Vmax, तो Vm की वैल्यू क्या है, ये है Vm की वैल्यू. तो Vm की वैल्यू को अगर हम Vmax के टर्म में कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हम इस Vmax में से ये एरिया माइनस करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू मिल जाएगी. और ये जो वैल्यू मिलेगी इस वैल्यू को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट Vm, क्योंकि ये इतनी वैल्यू ट्वाइस ऑफ Vm के इक्विवेलेंट है. तो हम क्या करेंगे, Vmax में से ये जो एरिया है यानी वी मिनिमम माइनस करेंगे एंड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वी विल गेट Vm, पहली वैल्यू मिल गई. ऐसे ही Vc की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. Vc की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें ये दिख रहा है कि Vc की वैल्यू है ये, दिस वैल्यू इज फॉर Vc. तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास में ये कंप्लीट वैल्यू गिवन है यहां से लेकर के यहां तक, इसे हम क्लियर कर देते हैं. ये वैल्यू गिवन है और हमें क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये Vc की, यानी कि ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो हम इस Vmax में से क्या माइनस कर देंगे, Vm माइनस कर देंगे, तो वी विल गेट दिस वैल्यू एंड इट विल बी इक्वल्स टू Vc. तो Vc इक्वल्स टू हो जाएगा Vmax माइनस Vm. एंड इस Vm की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हम यहाँ से Vm को एलिमिनेट कर देंगे. तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में Vmax माइनस और Vm की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी Vmax प्लस वी मिनिमम अपॉन 2. तो एक वैल्यू आ गई Vm की, आ गई Vmax माइनस वी मिनिमम अपॉन 2 और Vc की वैल्यू आ गई Vmax प्लस वी मिनिमम अपॉन 2. अब हमने जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला स्टडी किया था Vm अपॉन Vc, इसमें हम यही वैल्यूज दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, एक वैल्यू ये एक वैल्यू ये, 2 से 2 कैंसिल होगा एंड जो फॉर्मूला हमें मिलेगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वो क्या मिल जाएगा, Vmax माइनस वी मिनिमम अपॉन Vmax प्लस वी मिनिमम. तो ये फॉर्मूला हमने किस लिए कैलकुलेट किया है कि इनकेस अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता हो वोल्टेज की जो आफ्टर मॉड्यूलेशन हमारे पास में वेव फॉर्म है तो हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एक तरीका ये भी है कि हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके बाद बात करते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की. अब फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है इसमें हम लोग जो सिग्नल्स हैं इन सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं, यानी कि अभी तक जैसे हम लोगों ने जो भी सिग्नल्स ड्रॉ किए थे, जैसे साइन वेव सिग्नल को हम ड्रॉ कर रहे थे तो हम इस एक्सिस पर टाइम लेते थे टी,
बट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हमारे पास में एक्स एक्सिस पे, इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होती है और इस एक्सिस पर एम्पलीट्यूड होता है. यहाँ इस एक्सिस पे एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड तो कॉमन है लेकिन ये जो एक्स एक्सिस है ये चेंज हो जाती है, टाइम के बजाय फ्रीक्वेंसी में हो जाती है. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास में जो भी सिग्नल्स हैं, हम क्योंकि अभी तक जितने भी सिग्नल स्टडी कर रहे हैं सारे के सारे टाइम डोमेन के ही सिग्नल्स हैं क्योंकि वो टाइम पर डिपेंडेंट है. जैसे साइन ओमेगा टी हो गया, कॉस ओमेगा टी हो गया, ये सारे सिग्नल्स टाइम पर डिपेंडेंट है. तो हमें क्या करना होगा, हमें अगर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम किसी भी सिग्नल का ड्रॉ करना है तो हमें उस टाइम सिग्नल को, टाइम डिपेंडेंट सिग्नल को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा. तो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्जन के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम कन्वर्जन करते हैं. और ये कन्वर्जन क्यों करते हैं, बिकॉज अगर हम टाइम डोमेन में किसी भी सर्किट की एनालिसिस करते हैं तो ये थोड़ा सा टिपिकल होती है एनालिसिस. बिकॉज कोई भी सर्किट सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म होती हैं टाइम डोमेन में. अब टाइम डोमेन में जो डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म हो रही हैं तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर तक भी करना आसान है. बट आफ्टर दैट जैसे ही 4, 5, 6 ऑर्डर हो जाते हैं टाइम डोमेन एनालिसिस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है. दैट इज़ वाई हम सिग्नल्स को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, इन्हें चेंज करते हैं इन सिग्नल्स को. और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो टेक्निक्स यूज होती हैं वो शायद आप लोगों ने पढ़ी होंगी या शायद आगे मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म या जेड ट्रांसफॉर्म भी स्टडी करते हैं. तो ये टेक्निक्स यूज होती हैं टाइम डोमेन सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए. ये आगे डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग स्टडी करेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें स्टडी करने को मिलेंगी. बट फिलहाल के लिए हम इतना ही समझ लेते हैं कि हम सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने के लिए टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं एंड फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हम सिग्नल्स को एक्सप्रेस करते हैं. तो जब हम ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हम अभी देखेंगे कि हमारे पास में ये दो फ्रीक्वेंसीज और भी आती हैं आफ्टर मॉड्यूलेशन. हमारे पास में एक फ्रीक्वेंसी होती है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जिसे कि हम FM से डिनोट कर रहे हैं, और एक फ्रीक्वेंसी है कैरियर सिग्नल की जिसे हम FC से डिनोट करते हैं. एंड जब मॉड्यूलेशन हो जाता है तो वहाँ पर हम ये देखेंगे अभी कि हमें दो फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं, एक होती है FUSB, एक FLSB. USB को अपर साइड बैंड और LSB को लोअर साइड बैंड कहते हैं. और इनकी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू जो होती है वो अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी हाई होती है FC प्लस FM एंड लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कम होती है FC माइनस FM. ये हम अभी मैथमेटिकली देखेंगे. तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनता है तो उसमें दो साइड बैंड्स बनते हैं जिन्हें कि साइड फ्रीक्वेंसीज या साइड बैंड्स भी कहते हैं. अब हम मैथमेटिकली देख लेते हैं इस चीज़ को. तो मैथमेटिकली देखने के लिए हमने ये जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था VM का, VC प्लस VM साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा CT, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग पिक करेंगे. एंड सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ये वाला मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला लगा देंगे. फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि VM को हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे एंड VM की जगह पे M into VC पुट कर देंगे फ्रॉम दिस फॉर्मूला. और ये वैल्यू कहाँ पर पुट करेंगे, इस VM में. जैसे ही ये वैल्यू पुट करेंगे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा, VC प्लस MVC साइन ओमेगा MT और साइन ओमेगा CT. ठीक, अब यहाँ पर हमें VC कॉमन दिख रहा है तो हम VC को कॉमन कर लेंगे, या ये कह सकते हैं कि हम ये ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं. ब्रैकेट को अगर हम ओपन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा VC साइन ओमेगा CT और एक आ जाएगा MVC साइन ओमेगा MT और साइन ओमेगा CT, जैसे ही ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे. ठीक, तो ये एक्सप्रेशन आ गया. अब इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किया है. तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी. तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, फर्स्ट टर्म तो हमारा एज इट इज रहेगा और ये टर्म हमें दिख रहा है कि
एज इट इज जो कैरियर का टर्म था, कैरियर सिग्नल का, वही सेम टर्म आ रहा है, तो ये सिग्नल तो हमारा सिंपल कैरियर का ही सिग्नल आ जाएगा, वीसी साइन ओमेगा सीटी। नेक्स्ट जब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 एम वी सी, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा ही रहेगा, और ए माइनस बी यानी ओमेगा एम टी माइनस ओमेगा सी टी, ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी और एक ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी, तो ये हमारे पास में दो टर्म्स यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। अब ये जब दो टर्म्स हमारे पास में बन गए हैं तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक टर्म में ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है, एक में ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है। अगर हम ओमेगा की जगह 2πf रख दें तो टर्म क्या बन जाएगा, कॉस 2π दोनों से कॉमन हो जाएगा, एंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले टर्म में एफ सी माइनस एफ एम इंटू टी, ये वाला टर्म। ऐसे ही सेकेंड वाले टर्म को लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यानी कॉस 2π एफ सी और प्लस में एफ एम इंटू टी, ठीक। तो ये टर्म आ जाएगा। अब इस टर्म में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास में वही दोनों फ्रीक्वेंसी टर्म आ रहे हैं, इस टर्म में लोअर साइड बैंड यानी एफ सी माइनस एफ एम टर्म आ रहा है और इस वाले में एफ सी प्लस एफ एम का टर्म आ रहा है, यानी कि ये अपर साइड बैंड है। तो जो मॉड्यूलेशन के बाद हमारे पास में सिग्नल का एक्सप्रेशन है, वो सिग्नल का एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन में चेंज हो जा रहा है, एंड इन दिस एक्सप्रेशन हम ये इजिली कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के तीन कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है ओमेगा सी, ये एक कंपोनेंट है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम या एफ सी माइनस एफ एम, और एक कंपोनेंट है एफ सी प्लस एफ एम या ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो इस तरह से तीन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आ रहे हैं आउटपुट सिग्नल में। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। अब इसी चीज को हम अगर इन केस हमें वीएम की जो वैल्यू है वो वीएम साइन ओमेगा टी ना होकर के कॉस ओमेगा एम टी और कैरियर सिग्नल की वैल्यू वीसी कॉस ओमेगा सी टी दी हो, तो उस केस में भी हम सेम प्रोसीजर से सॉल्व करके कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि उसी तरह का एक्सप्रेशन फिर से आएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वी सी कॉस ओमेगा सी टी आएगा जब हम सॉल्व करेंगे इस सिग्नल को, और सेकंड टर्म में कॉस ओमेगा एम टी और कॉस ओमेगा सी टी आ जाएगा, जैसा कि पहले वाले टर्म में साइन ओमेगा एम टी और साइन ओमेगा सी टी था। अगेन कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लगाएंगे। अगेन हमें अगर हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को देख रहे हैं तो ओमेगा सी है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, वही तीन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स यहां पर भी आ रहे हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखते हैं कि कैसे आएगा। तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं एम्पलीट्यूड और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी के तीन टर्म्स हैं हमारे पास में, एक ओमेगा सी, एक ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और एक ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी फ्रीक्वेंसी की, एक फ्रीक्वेंसी हो गई एफ सी, एक फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी जो एफ सी माइनस एफ एम होगी और एक फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होगी जो एफ सी प्लस एफ एम होगी, ठीक। एंड अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एफ सी है, यानी कि ये वाला टर्म, तो इस टर्म में पीक वैल्यू कितनी है वोल्टेज की, वी सी, तो पीक वैल्यू यहां पर वी सी लिखी हुई है। इसी तरह से जब साइड बैंड्स की बात करेंगे, जब वैल्यू ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम यानी एफ सी माइनस एफ एम, इस टाइम पर पीक वैल्यू कितनी है, एम वी सी बाई टू, तो एम वी सी बाई टू यहां लिख दिया। और सेम वैल्यू सेकेंड टर्म में भी है, तो सेकेंड टर्म में भी सेम वैल्यू आएगी एम वी सी बाई टू। तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, जो फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में एम्पलीट्यूड को हम लोग ड्रॉ करते हैं। और ये एम वी सी बाई टू ऑलवेज इस वी सी वैल्यू से कम होगा। कम कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एम की वैल्यू है, एम की वैल्यू हमने आपको बताई फ्रॉम 0 to 1 होगी, यानी लेस देन 1 है, और 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो लेस देन 1 वैल्यू से वी सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी सी की वैल्यू कम ही आएगी, और 2 से भी डिवाइड करेंगे तो वी सी की वैल्यू और कम हो जाएगी। इसलिए
लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड की वैल्यू हमेशा इस कैरियर फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड से कम होगी। ये जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आप लोग स्टडी करेंगे तो अपने आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कर लेंगे जो अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है। जैसे कि देखिए, कैरियर एम्पलीट्यूड दिया है 10 वोल्ट, तो कैरियर को हम लिखते हैं 10 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कैरियर की कितनी दी है, 100 किलोहर्ट्ज। एफसी की वैल्यू लिख दी 100 किलोहर्ट्ज। इसके बाद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय अ साइन वेव ऑफ 4 वोल्ट पीक एंड फ्रीक्वेंसी 1000 किलोहर्ट्ज, यानी जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका पीक 4 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज या 1 किलोहर्ट्ज की है। अब हमें करना क्या है, डिटरमाइन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर द मॉड्यूलेटेड वेव एंड ड्रॉ द एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। तो एक तो स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है, दूसरा काम हमें करना है कि हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। तो इंडेक्स कैलकुलेट करना तो बहुत इजी है, वीएम अपॉन वीसी कर देंगे, वैल्यूज दी हैं 4/10.4 कैलकुलेट हो जाएगा, यानी 40% मॉड्यूलेशन यहाँ होगा। अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए और दूसरा पता होना चाहिए हमें एम्पलीट्यूड उस करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी पे। तो जब भी इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे तो एक फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी एफसी और दूसरी फ्रीक्वेंसी एफसी प्लस एफएम, तीसरी फ्रीक्वेंसी एफसी माइनस एफएम। तो एफसी प्लस एफएम कर लेंगे हम, दोनों वैल्यूज हमें गिवन है 101। ऐसे ही एफसी माइनस एफएम करेंगे तो 99 किलोहर्ट्ज, दो वैल्यूज मिल गई हमें। तो हम ये फ्रीक्वेंसी की तीनों वैल्यूज मिल गई, हम तीनों वैल्यूज फ्रीक्वेंसी की मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ का एम्पलीट्यूड, एफसी पर एम्पलीट्यूड कितना है, गिवन है कि 10 वोल्ट है, और एफ यूएसबी और एफ एलएसबी पर एम्पलीट्यूड कितना है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एमवीसी बाई 2 से, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता है। तो ये एम्पलीट्यूड तो हम 10 वोल्ट लिख देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स 2 वोल्ट। तो हम यहाँ पर 2 वोल्ट ड्रॉ कर देंगे, 2 वोल्ट यहाँ ड्रॉ कर देंगे एंड हमारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ये आपको फिगर में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दिख रहा है, ठीक। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं? इसके बाद बात करेंगे। हाँ प्रयाग बताइए। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, अटेंडेंस सर चैट बॉक्स में लगानी ना सर। हाँ चैट बॉक्स में लिंक देंगे आप, चैट बॉक्स में लगा दीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं बैंडविड्थ की। अब जो मॉड्यूलेटेड वेव हमको मिल गई है इसकी हमें बैंडविड्थ भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि इसकी बैंडविड्थ कितनी है, क्योंकि हर एक सिग्नल की कुछ ना कुछ बैंडविड्थ होगी एंड बैंडविड्थ निकालने का तरीका हम लोगों को पता है कि उसमें जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसको अगर हम उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लें तो वी विल गेट द बैंडविड्थ। तो इस एएम वेव में हमें पता है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसीज क्या है। जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दिख रहा है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है ये है और लोवेस्ट क्या है ये है। तो यहाँ पर अगर हम बैंडविड्थ निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी बैंडविड्थ, 2 किलोहर्ट्ज, ठीक। और अगर फॉर्मूले की बात करें तो इट मींस एफ यूएसबी माइनस एफ एलएसबी करेंगे तो हमें बैंडविड्थ मिल जाएगी। तो एफ यूएसबी माइनस एफ एलएसबी कर देंगे, एफ यूएसबी होता है एफसी प्लस एफएम, एफ एलएसबी होता है एफसी माइनस एफएम। इसको सॉल्व करेंगे एफसी कैंसिल हो जाएगा एंड 2 एफएम आ जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ एफएम बैंडविड्थ होती है। अब इस चीज को अगर इस क्वेश्चन से वेरीफाई करें तो इस क्वेश्चन में जो एफएम की वैल्यू दी हुई थी वो एफएम की वैल्यू कितनी गिवन थी, 1 किलोहर्ट्ज। तो इस फॉर्मूले में अगर आप रख देंगे 1 किलोहर्ट्ज तो बैंडविड्थ कितनी आ जाएगी, 2 किलोहर्ट्ज। तो हमने फॉर्मूले से भी देख लिया कि 2 किलोहर्ट्ज आ रही है और इस फिगर से भी हमें क्लियर है कि इसकी वैल्यू 2 किलोहर्ट्ज आ रही है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की बैंडविड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें उसकी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पता है, यानी एफएम की वैल्यू पता है। तो
इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है ओवर मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट। ओवर मॉड्यूलेशन क्या है कि हम जो मॉड्यूलेशन कर रहे हैं वो एक्सीड कर जा रहा है। तो एक्सीड का मतलब क्या है कि जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में हमने आपको बताया कि इसकी वैल्यू 0 से 1 होती है, तो कोई भी वैल्यू अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू कहते हैं कि 1 है तो इट मींस कि 100% मॉड्यूलेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 100% मॉड्यूलेशन हो रहा है। अब यही वैल्यू अगर 100% से एक्सीड हो गई तो इसका मतलब ओवर मॉड्यूलेशन हो गया, मतलब कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम इस कंडीशन को कहते हैं ओवर मॉड्यूलेशन। और ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी, जब हम जैसे m का फॉर्मूला लिखते हैं तो m का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, vm अपॉन vc। तो हमने आपको बताया कि vm की वैल्यू ऑलवेज कम होगी, vc की वैल्यू ऑलवेज ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर vm की वैल्यू ज़्यादा हो गई vc से, यानी vm इज़ ग्रेटर देन vc, तो इन दिस केस m की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज ओवर मॉड्यूलेशन। एंड इन दिस सिचुएशन हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल होगा उस सिग्नल में लॉसेस होंगे, इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाएगा। अब इसके बाद में एक ये ट्रेपेजॉइडल डिस्प्ले एम वेव का ड्रॉ किया गया है। अगर हम इसी सिग्नल को सीआरओ पे देखेंगे तो सीआरओ पे तो इस तरह का दिखाई पड़ेगा सिग्नल, सेम यही वेवफॉर्म इसी तरह की बनी रहेगी वेवफॉर्म जैसे कि यहाँ पे हमें शो हो रही है। अब इसमें अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन को ले लें, ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें दिख रहा है और ये जो मिनिमम एम्पलीट्यूड दिख रहा है, तो अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये एक तरह का ट्रेपेजॉइडल हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक, जिसको कि यहाँ पर ड्रॉ किया गया। तो यहाँ पर अगर हम इस ट्रेपेजॉइडल डिस्प्ले को देखेंगे तो ये एक वैल्यू हमें लेंथ मिल जाएगी L1 और एक लेंथ मिल जाएगी L2, जो मिनिमम लेंथ है और मैक्सिमम लेंथ है। जैसे हमने इससे पहले कैलकुलेट किया था, एक कैलकुलेट की थी वैल्यू वी मैक्स और एक कैलकुलेट की थी वी मिनिमम, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ वी मैक्स, और L2 की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ वी मिनिमम। तो सेम चीज यहाँ पर इस ट्रेपेजॉइडल डिस्प्ले से भी कैलकुलेट की गई है L1 एंड L2 के फॉर्म में, तो वहां से भी हम देख सकते हैं। अगर वहां से आप देखेंगे हमने Vmax और V minimum कैलकुलेट किया था, उन्हीं की वैल्यूज को अगर हम ट्वाइस कर देंगे तो हम L1 और L2 की वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर हम L1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या होगी, VC प्लस VM का ट्वाइस। सिमिलरली L2 की जो वैल्यू होगी वो ट्वाइस ऑफ VC माइनस VM होगा। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम एक बार ऐड करेंगे और एक बार दोनों इक्वेशंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऐड करेंगे L1 माइनस L2 मिल जाएगा एंड दिस विल इक्वल्स टू 4 ऑफ Vm। तो यहाँ से अगर हम Vm कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, L1 माइनस L2 बाई 4। सिमिलरली एक बार जब ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो इट कम्स 4 VC एंड VC इक्वल्स टू यहाँ से निकाल लेंगे L1 प्लस L2 बाई 4। एंड ये दोनों ही वैल्यूज अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स के फॉर्मूले में रखेंगे, m वाले फॉर्मूले में रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल और L1 माइनस L2 अपॉन L1 प्लस L2। सेम फॉर्मूला है जैसा पहले आया था, Vmax माइनस V मिनिमम अपॉन Vmax प्लस V मिनिमम, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। बस यहाँ पर क्या है कि ये एक ट्रेपेजॉइडल डिस्प्ले के फॉर्म में यहाँ पर शो किया गया है। अब इसके बाद में हम पावर रिलेशंस देखते हैं कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हम लोगों को मिल रही है इसमें कितनी, मतलब 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं तो इसमें 3 तरह के पावर कंपोनेंट्स भी अवेलेबल होंगे, क्योंकि 3 तरह के एम्पलीट्यूड्स हैं तो 3 तरह की पावर्स भी इसमें होंगी। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें एक अनमॉड्यूलेटेड कैरियर का कंपोनेंट मिलता है, यानी कि हम अगर अपने प्रीवियस इक्वेशन को रिकॉल करेंगे तो उसमें एक सिग्नल है जो प्लस के साथ जो फर्स्ट टर्म आ रहा है वो हमारा नॉर्मल कैरियर सिग्नल है, जिसमें कि कोई भी मॉड्यूलेशन, मतलब चेंजेस नहीं है, एज इट इज ओमेगा सी टी वाला टर्म आ रहा है।
इसके बाद में फिर सेकेंड टर्म एक लोअर साइड बैंड और थर्ड टर्म एक अपर साइड बैंड, ये दो टर्म्स और आते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास में तीन टर्म्स समेशन में है, तो हमारे पास में जो टोटल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की पावर होगी वो भी, सॉरी हाँ, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो पावर होगी वो भी तीन टर्म्स में आएगी। तो अगर हम इसको पीसी से डिनोट करें तो दिस पीसी विल बी द सम ऑफ, सॉरी टोटल पी, टोटल से अगर डिनोट करें तो इट विल बी द सम ऑफ पीसी प्लस लोअर साइड बैंड की पावर प्लस अपर साइड बैंड की पावर। इस तरह से हम तीन टर्म्स में टोटल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पीसी हो जाएगी कैरियर सिग्नल की पावर और यूएसबी अपर साइड बैंड की पावर और एलएसबी लोअर साइड बैंड की पावर। और पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें पता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, तो यहाँ पर हम वी स्क्वायर ले लेंगे कैरियर का अपॉन आर, वी स्क्वायर यूएसबी का अपॉन आर और वी स्क्वायर एलएसबी का अपॉन आर। रेजिस्टेंस कॉमन होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो भी होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस होगा एंटीना का जिसके थ्रू हम इसको ट्रांसमिट कर रहे होंगे। तो उसी रेजिस्टेंस के थ्रू हम पावर कैलकुलेट करेंगे कि आउटपुट पे कितनी पावर है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तीनों ही सिग्नल्स के लिए कॉमन होगी बिकॉज वो सिग्नल एक ही सिग्नल है और सेम रेजिस्टेंस से पूरा ओवरऑल सिग्नल पास हो रहा होगा। अब ये जो हम वोल्टेजेस की वैल्यू लेंगे, ये वोल्टेजेस की वैल्यू कौन सी वैल्यू लेंगे, आरएमएस वैल्यू सभी वोल्टेजेस की टू कैलकुलेट द पावर। तो आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें क्या करना होगा, हमें जो भी हमारे पास में पीक वैल्यू है उसको हम इस तरह से रूट टू कर देंगे। तो वी सी रूट टू उसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन आर, तो ये वैल्यू आ जाएगी कैरियर पावर। ऐसे ही यूएसबी और एलएसबी की पावर तो सेम होगी क्योंकि वोल्टेज सेम है, तो यहाँ पर हम वोल्टेज क्या लिखेंगे, एम वी सी अपॉन टू और इसको भी रूट टू से डिवाइड कर देंगे बिकॉज ये वैल्यू भी पीक वैल्यू है, स्क्वायर करेंगे वन अपॉन आर से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें पावर मिल जाएगी यहाँ पर भी। तो इस तरह से हम टोटल पावर कैलकुलेट कर लेंगे और जो एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास में टोटल पावर का वो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये हम आप लोगों को, आप लोग ऐसा करिए रिज्वाइन कर लीजिए 5 मिनट के लिए, तो हम आप लोगों को ये टॉपिक ये कंप्लीट करा देते हैं। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा रह गया है तो ये कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए। यस सर।